हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गेट अनरेडी विथ मी, मेरा मेकअप रिमूवल और स्किन केयर। लेकिन ये वीडियो नॉर्मल नहीं होने वाला है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आज के मेकअप रिमूवल के लिए और स्किन केयर के लिए मैं जितने भी प्रोडक्ट यूज़ करूँगी सभी होने वाले हैं क्लियर, उनमें कोई भी कलर नहीं है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से हैं ये प्रोडक्ट तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूँगी। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि कलरलेस प्रोडक्ट मतलब क्या है या क्लियर प्रोडक्ट मतलब क्या है, इन प्रोडक्ट में ऐसी क्या क्वालिटी है। तो देखिए, बहुत सारे लोगों को परफ्यूम से एलर्जी होती है। अगर आपकी स्किन टाइप सेंसिटिव है और आप परफ्यूम वाले प्रोडक्ट यूज करती हैं तो वो आपकी स्किन के साथ रिएक्ट कर देता है और आपकी स्किन पे ब्रेकआउट या इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। सेम है एक्स्ट्रा कलर के भी साथ या एडेड कलर वाले प्रोडक्ट के साथ भी। और स्पेशली अगर आप कोई स्किन केयर प्रोडक्ट यूज कर रही हैं जिसमें अलग से कलर ऐड किया गया हो तो वो भी आपकी स्किन के लिए उतना ही हार्मफुल होता है, क्योंकि हमारी स्किन को केयर की ज़रूरत है, कलर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, मेरी स्किन टाइप जो है वो ऑयली है, पिंपल प्रोन है, एक्ने प्रोन है और साथ ही साथ सेंसिटिव भी है। तो अगर ये प्रोडक्ट मेरे लिए सूटेबल है तो मे बी आपके लिए भी सूटेबल हो सकते हैं, क्योंकि सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्किन जो होती है वो पिंपल प्रोन, एक्ने प्रोन और सेंसिटिव स्किन ही होती है। थर्ड पॉइंट, अगर एक बात कि अगर आप इनमें से कोई सा भी प्रोडक्ट बाय करना चाहती हैं तो मैं ट्राई करूंगी कि सबके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा अगर आप इन प्रोडक्ट को बाय करना चाहें तो। अब बातें बहुत हो गई हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। बट सबसे पहला स्टेप होता है मेकअप को रिमूव करना, क्योंकि उसके बाद ही आप अपना स्किन केयर कर सकती हैं। तो चलिए पहले मेकअप रिमूव करते हैं। मेकअप को रिमूव करने के लिए मैं यूज़ करूँगी ऑयल जो कि है जॉनसन्स बेबी से। पहला पॉइंट ये है कि ये कलरलेस है। दूसरा पॉइंट ये है कि ऑयल क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये हर मेकअप को, चाहे आपने कोई सा भी मेकअप अप्लाई किया हुआ हो, बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन कर देता है और रिमूव कर देता है। तो ऑयल मुझे बहुत अच्छा लगता है स्पेशली मेकअप को रिमूव करने के लिए। और वाइप्स के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ मिनीशो के वाइप्स, और इनके बारे में मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया है कि ये उतने अच्छे भी नहीं है। तो मैं अब क्या करती हूँ कि मैं एक साथ 2 से 3 वाइप यूज़ करती हूँ। अब क्या करें, किसी ना किसी तरीके से तो इसे यूज़ करना ही है जिससे कि मैं इनसे अपना मेकअप जो है वो अच्छे से रिमूव कर सकूँ। और एक बात कि एक मच्छर मुझे बहुत देर से परेशान कर रहा है, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, और उसकी वजह से इस वीडियो में 3 बार कट आ चुके हैं। मैंने इस वीडियो का जो इंट्रो है उसे 3 बार शूट किया है सिर्फ उस मच्छर की वजह से, क्योंकि वो बार बार इधर उधर से ऐसे घूमता है और मैं उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जा रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले मेकअप को रिमूव करते हैं। वैसे मेकअप रिमूव करने के लिए ऑयल सबसे अच्छे होते हैं, बस आप एक बार ये देख लीजिए कि कौन सा ऑयल आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और वैसे जॉनसन बेबी ऑयल काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप भी यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि ये पोर्स को क्लॉग भी नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि अगर वो कोकोनट ऑयल यूज़ करें तो उनके जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं। तो आप ऐसे यूज़ कर सकती हैं, या फिर मैंने जो DIY आपके साथ शेयर किया था कि आप कोकोनट ऑयल को रोज़ वाटर में मिक्स करके यूज़ करिए, वो तरीका भी बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं कि इसने मेकअप को कितने अच्छे से ब्रेक डाउन कर दिया और रिमूव कर दिया, जबकि मैंने जो आईलाइनर अप्लाई किया था वो था स्टे क्वर्की का, और वो आईलाइनर जल्दी रिमूव नहीं होता है किसी भी मेकअप रिमूवर से, सिर्फ ऑयल से ही वो बहुत अच्छे से रिमूव होता है, मतलब जल्दी या आसानी से रिमूव हो जाता है, नहीं तो वो जल्दी रिमूव नहीं होता है।
आप में से बहुत सारे लोग शायद ये सोचेंगे कि मैं हमेशा ऑयल क्यों यूज़ करती हूँ अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए। तो उसके पीछे यही रीज़न है कि पहली बात ये है, ऑयल से मेकअप जो है वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है। और जब भी मैं ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे आईज़ में मेकअप रह जाता है, स्पेशली आईलाइनर और मस्कारा। और आज मैंने दोनों ही अप्लाई किए थे, आईलाइनर भी और मस्कारा भी। तो मैं फटाफट से अपना मेकअप रिमूव करती हूँ और उसके बाद हम बातें करते हैं आगे। मेकअप जो है वो रिमूव कर दिया है और अब बारी है फेस वॉश की। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लेमिनो का फेस वॉश जो कि है स्किन लाइटनिंग एंड डी 10। और ये भी आप देख सकते हैं कि क्लियर ही है। वैसे ऑयल से मेकअप रिमूव करने का यही फ़ायदा होता है कि पूरा मेकअप जो है वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है और ऑयल अगर आँखों में भी चला जाता है तो प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि अभी मेरी आईज़ में थोड़ा सा ऑयल चला गया है। तो मैं अपने फेस को हल्का सा वेट करूँगी जिससे कि मैं फेस वॉश कर सकूं। मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया है और मेकअप भी आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से रिमूव हो गया है। यही फ़ायदा होता है ऑयल क्लींजिंग का। अब बारी है फेस टोनर या फेस मिस्ट, आप जो भी कह लो। तो फिलहाल मैं यूज़ करने वाली हूँ लॉरियल का ये माइक्रो एसेंस और ये भी कलरलेस है, क्लियर है। इसकी जो स्मेल है वो एकदम माइसला वाटर जैसी लगती है। नेक्स्ट है फेस को मॉइस्चराइज करने का। तो उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ बुराइसियल का ये ल्यूमिनस वाटर ड्रॉप एसेंस जो कि है स्किन वाइटनिंग के लिए। और इसके बारे में भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि पैकेजिंग पे जो लैंग्वेज है वो कोरियन में लिखा हुआ है। तो बस फेस को मैं इससे मॉइस्चराइज करूंगी और ये भी क्लियर ही है। तो ये हो गया हमारा। अब बारी आती है लिप्स को मॉइस्चराइज करने की, क्योंकि उसे भी तो हाइड्रेशन की ज़रूरत है। और उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ वेस्टलीन का ये लिप केयर और ये भी क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा स्किन केयर जो है वो कंप्लीट हो गया है और इसके लिए हमने जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए सभी क्लियर थे, इनमें कोई भी एक्स्ट्रा कलर ऐड नहीं किया गया है। तो अगर आपको कलर से प्रॉब्लम है या आपको कलर वाले प्रोडक्ट यूज़ करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, खास करके वो प्रोडक्ट जिनमें एक्स्ट्रा कलर ऐड किए गए हों, तो आप अपना स्किन केयर रूटीन ऐसे बना सकती हैं जिसमें सारे क्लियर प्रोडक्ट आप यूज़ करें और वो आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल ही होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कलर से भी प्रॉब्लम होती है और उनकी स्किन सेंसिटिव होती है तो वो उनकी स्किन को रिएक्ट कर देता है। तो आप ऐसे कलरलेस प्रोडक्ट यूज़ कर सकती हैं।
तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप में से कितने लोग हैं जो कि सेंसिटिव कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें स्मेल से, फ्रेग्रेंस से, परफ्यूम से या फिर कलर से प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मैं मेरी बात करूँ तो मुझे परफ्यूम से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। स्किन केयर में मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी स्किन रिएक्ट कर जाती है, लेकिन मुझे मेरी नोज़ थोड़ी सी सेंसिटिव है, तो मुझे परफ्यूम वाले प्रोडक्ट वैसे भी नहीं पसंद है और ना ही मैं परफ्यूम इतना ज़्यादा यूज़ करती हूँ। रीज़न सिर्फ यही है कि परफ्यूम वाले प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद मेरा सर दर्द होने लगता है, हेडेक हो जाता है, इसलिए मैं परफ्यूम वाले प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती हूँ। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आप मेरे सारे वीडियोस देख सकें और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।